टू माई चैनल ऑल जॉब नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, फाइनली IBPS क्लर्क 13 की वैकेंसीज आउट हो चुकी है। ठीक है, टोटल जो वैकेंसी है वो 4000 प्लस है। अभी बहुत से बैंक हैं जिन्होंने अभी नॉन रिपोर्टेड है अभी जिनकी वैकेंसी, तो ऑब्वियसली जो वैकेंसीज हैं वो इंक्रीज़ होंगी। सो गुड न्यूज़ टू ऑल ऑफ यू। सो बैंकिंग के एग्ज़ाम अब लाइन अप हो जाएंगे, सो यू हैव टू प्रिपेयर बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, बिकॉज एक के बाद एक एग्ज़ाम होंगे और आपके पास टाइम नहीं होगा। तो अभी से अपना प्री और मेंस दोनों साथ लेके चलिए। ठीक है, सो देखते हैं क्या क्या है इसमें नोटिफिकेशन में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी आज 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट है फिल करने की 21 जुलाई। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग बैंक हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, PNB, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी वो 1 जुलाई से 21 जुलाई के बीच आप कर सकते हैं। ठीक है, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो होती है वो अगस्त में होगी। कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम अगस्त में हो जाएगा आपका, और जो कॉल लेटर है आपका प्री का वो अगस्त में आएगा। एग्ज़ाम होगा इसका आपका अगस्त या फिर सितंबर, और रिज़ल्ट आ जाएगा उसका सितंबर या फिर अक्टूबर में, और मेंस एग्जामिनेशन आपका सितंबर अक्टूबर में होगा, मतलब अक्टूबर में है आपका मेंस। ठीक है, प्रोविजनल अलॉटमेंट आपकी पता है आपको IBPS की, और वो अप्रैल में होती है। ठीक है, बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या क्या है। कैंडिडेट सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, रिफ्यूजी। एज लिमिट मिनिमम इसमें 20 और मैक्सिमम 28 से एक भी दिन आपका ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 1995 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2003। सो ये रिजर्वेशन रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स का, और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनको 10 ईयर्स का। बाकी पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स 5 ईयर, और विडोज, डिवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड उनको अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन है फॉर जनरल, और EWS 38 ईयर्स फॉर OBC एंड 40 ईयर्स फॉर SC एंड ST। ठीक है, चलिए इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली वही आपका ग्रेजुएशन चाहिए होता है इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही और शी इज़ अ ग्रेजुएट ऑन द डे ही और शी रजिस्टर्स एंड इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ग्रेजुएशन वेल रजिस्टरिंग ऑनलाइन। ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी ऑपरेटिंग और वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी, दैट इज कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट डिप्लोमा और डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन और लैंग्वेज, शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर और IT एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द हाई स्कूल और कॉलेज और इंस्टीट्यूट। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और UT, कैंडिडेट शुड नो हाउ टू रीड और राइट और स्पीक द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और UT फॉर विच वैकेंसीज अ कैंडिडेट विशेज टू अप्लाई इज प्रेफरेबल। फ्रेंड मतलब यहाँ पे आप जहाँ जिस भी स्टेट से अगर अप्लाई करना चाहते हैं, मान लो आप हिमाचल के हैं, अगर आप मध्य प्रदेश या फिर गोवा या गुजरात से फिल करना चाहते हैं, मान लो कई बार कैंडिडेट सोचते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है तो वहाँ से हम फिल कर लें, सो आपको वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका LPT होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो बहुत से कैंडिडेट उसमें भी फेल हो जाते हैं, इसीलिए सोच समझ के फॉलो मतलब फिल करना। वैसे तो टाइम मिल जाता है आपको 1 से 2 मंथ का, अगर आप वो लैंग्वेज सीख सकते हैं अभी से तो डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, क्योंकि कई स्टेटों में बहुत ही कम वैकेंसी आती है, जैसे HP हो गया, हरियाणा, पंजाब, यहाँ की वैकेंसीज HP में तो बहुत ही कम आती है और कट ऑफ हाई जाती है इन स्टेटों की, तो सोच समझ के फिल कीजिएगा। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है मतलब
अगर आप अपने स्टेट से करना चाहते हैं तो, लेकिन प्रिपरेशन फिर अपनी ज़्यादा रखिए, क्योंकि मेंस में आपके 110 से ऊपर ही होने चाहिए मार्क्स, है ना। सो तभी फ़ायदा है, मतलब 100+ तो जाती जाती है कट ऑफ। चलो बाकी देखते हैं और क्या है इसमें। अच्छा, बाकी यहाँ पे लिखा है कि जो ग्रेजुएशन में अगर आपके परसेंटेज है ना, मानो 59.99% है, तो उसको ट्रीट किया जाएगा लेस देन 60%। ठीक है, सो आपको जो भी है परसेंटेज वो ऐसे ही आपको लिखने हैं पूरे पूरे। बाकी एप्लीकेशन फ़ी 175 है फॉर SC ST PWBD EXSM कैंडिडेट के लिए, और 850 है जनरल एंड OBC के लिए, ठीक है, और EWS के लिए। और स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन वही है फ्रेंड्स, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। 30 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में, 30 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट का आपको टाइम अलॉट किया जाएगा सेपरेट। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट का टाइम। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट, टोटल 60 मिनट, 1 आवर का टाइम होगा, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय द IBPS। एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी एज डिसाइडेड बाय IBPS डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द ऑनलाइन मेन्स एग्जामिनेशन। वही है, इसमें आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी होगी और ओवरऑल कट ऑफ भी होगी। मेन्स एग्जामिनेशन में आपका फ्रेंड्स जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के, 35 मिनट का टाइम अलॉट। सो इन पे ज़्यादा फोकस रखना, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस जो भी आपकी, और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। और जनरल इंग्लिश आएगी जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का, 35 मिनट का टाइम। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स का होगा, 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्वांट 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 45 मिनट टाइम, तो टोटल 190 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा और 160 टाइम अलॉट किया जाएगा, ठीक है। बाकी ये हैं स्टेट और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। जैसे आंध्र प्रदेश में इंग्लिश, हिंदी, तेलुगू भी है, ठीक है। तो जहाँ स्टेट से आप लगता है आपको हिंदी है तो आप कर सकते हैं अप्लाई वहाँ पे। हिमाचल प्रदेश में इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन ऑफ टेस्ट है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आप किस में दे सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया। पेनल्टी रॉन्ग नंबर, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 मार्क्स डिडक्ट होते हैं आपके, ठीक है। और फ्रेंड्स जब आपका मेंस एग्ज़ाम होगा ना, तो आपका जो प्री का कॉल लेटर है ना, ये आपको जब आपका प्री का एग्ज़ाम होगा तो वो वापस दे देंगे आपको, तो आपको उसको संभाल के रखना है, क्योंकि जब आपका मेंस एग्ज़ाम होगा तो वो आपका प्री का कॉल लेटर लगेगा। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ड्यूली ऑथेंटिकेटेड ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम कॉल लेटर विद ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ एज वेल एज मेंस कॉल लेटर। दीज डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग द मेंस एग्ज़ाम। ओके, तो यहाँ से आप फोटो साइज देख सकते हैं, सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए, और ये है आपकी हैंड रिटन डिक्लेरेशन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। और जैसे आए जो भी आपका नाम है, मान लो नेहा है, हेयर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड वैन रिक्वायर्ड। ये आपको एक A4 शीट में लिख लेना है ब्लैक पेन से, ठीक है, और साइन वगैरह अच्छे से, अपना ब्लर्ड नहीं होना चाहिए। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं आप। अब देख लेते हैं इसमें कि कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं। यह रहा आपका स्टेट वाइज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में टोटल 77 है और जनरल की 35 है, EWS की 7 है,
ओबीसी की 20, एसटी की 4 है और एससी की 11 है। तो अभी तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बैंक तो नॉन रिपोर्टेड ही हैं अभी इनकी वैकेंसी, तो ये इंक्रीज़ हो सकती है, होएगी ऑब्वियसली। सो डरने की बात नहीं है, अभी रुक जाना, ठीक है। ये नहीं कि आज ही फिल कर दिया फॉर्म। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिल इसको 4-5 दिन के बाद भी आप भरोगे तो भी अच्छे से रीड करके भरना, जहाँ से भी आपको अप्लाई करना है, ठीक है, सोच समझ के। जैसे HP की देख लेते हैं कितनी आई हैं वैकेंसीज, गुजरात में कितनी है, 239 है टोटल, हरियाणा में 174 है टोटल, हिमाचल प्रदेश में आपकी 81 टोटल पोस्ट है, जनरल की 35 है, EWS की 8, OBC की 16, ST की 3 और SC की 19। मध्य प्रदेश की तो अभी टोटल 393 है, महाराष्ट्र की 527 है टोटल, मणिपुर में 10 है टोटल और मेघालय में 1 है, मिज़ोरम में 1 है, नागालैंड में 3 है, ओडिशा में 57, पुडुचेरी में 0, पंजाब में 321 जिसमें जनरल की 129 है, राजस्थान में 169 है टोटल, सिक्किम में 0, तमिलनाडु में 142, तेलंगाना में 27, त्रिपुरा में 15, यूपी में 674 वैकेंसीज हैं, 282 जनरल की हैं और वेस्ट बंगाल में 241 है टोटल, जनरल की 104, ठीक है। बाकी आप एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हैं, जहाँ से भी आप अप्लाई करेंगे आपका एग्ज़ाम सेंटर वहाँ पे आएगा, ठीक है। एड जैसे अंडमान एंड निकोबार में प्री का एग्ज़ाम सेंटर है पोर्ट ब्लेयर और मेंस का पोर्ट ब्लेयर। देखो हिमाचल प्रदेश का देख लेते हैं कहाँ पे, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन है प्री का और मेंस आपका वहीं पे होता है या तो बिलासपुर में होगा। मेंस का पहले शिमला और हमीरपुर होता था, लेकिन अब बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला और सोलन 4 सेंटर दिए हैं, ठीक है। तो जहाँ से भी आपको ठीक रहे वहाँ से फिल कीजिए। ठीक है, फोटोग्राफ आपकी रिसेंट स्टाइल कलर्ड पिक्चर होनी चाहिए और डायमेंशन आपका दिया हुआ है 20 से 50 KB के बीच में और लेफ्ट थंब साइन ब्लैक इंक से करने आपको वाइट पेपर पे जो भी आपके साइन है, साइन का जो साइज़ है वो 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। और बस यही है टोटल, ठीक है। सो फिल मतलब वही आप रजिस्ट्रेशन तब तक कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो आपको रिगार्डिंग दिस नोटिफिकेशन सो यू कैन आस्क। सो बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब।